ओके 10,000 की एचपी। क्या अपन इससे लड़ सकते हैं गाइस? मैं सारे फायर पेल्स छोड़ने वाला हूँ। अबे मेरी एचपी कम हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ पेल वर्ल्ड। और जैसे तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैं पकड़ के लाया था कोल्ड रीजंस के दो खतरनाक पेल्स, किंग पेका और लेलिन। और उसी के साथ साथ मेरी लेवल भी अच्छी खासी बढ़ गई है। तो आज अपन अपने लिए खतरनाक वेपन्स बनवाएंगे और साथ ही साथ कोल्ड रीजन के सबसे खतरनाक पेल फ्रॉस्टेलियन को ढूंढने चलेंगे। सो लेट्स गो। इस टाइम पे मैं अपने और फार्म वाले बेस पे हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैंने और माइनिंग साइट 2 इस वाले फार्म पे लगा दी, क्योंकि भाई और की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी। ये लोग यहाँ का और वोर तोड़ के फ्री पड़े रहते थे। और ये स्टार्विंग, अबे मेजर इंजर्ड स्टार्विंग, क्या हो रहा है इनको? अरे यार भाई, खाना खत्म हो जाता है, यहाँ का खाना डालना भूल जाता हूँ, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, खाना डाल दिया, अभी सब खाना खा लेंगे। और ये डिप्रेस्ड ओवर फुल, भाई क्या चल रहा है भाई? एक बार मेरे को घर चलने दो। और इनने कितना तोड़ दिया स्टोन? 423 भाई, 423, 155 इसमें। ये तो शायद इधर उधर का तोड़ा हुआ होगा। चलो, अब और की कोई कमी नहीं हो रही वापस से अपने को। इसको लेते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि मैं अपने आर्मर वगैरह रिपेयर करा रहा था। वो रिपेयर कराते कराते इंगट्स खत्म हो गए, बताओ। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपन यहाँ पे और माइनिंग साइट लगवा दे, जो की अब मैंने लगवा दी है। अभी चलते हैं अपन फटाफट से अपने घर पे। और अभी अपनी लेवल अप होने वाली है, एकदम थोड़ी सी बच रही गाइस। अगर मैं एक या दो पेल्स पकड़ लेता हूँ ना कोई अच्छे वाले, तो मेरी 39 लेवल हो जाएगी। फिर अपन टेक्नोलॉजी में से अच्छी चीजें सकते हैं। अभी मेरे पास 4 टेक्नोलॉजी पॉइंट है, जो कि मैंने बचा के रखे थे। बट अभी अपने को शायद 7 टेक्नोलॉजी पॉइंट और मिल जाएंगे, अगर अपनी लेवल 29 खुल जाती है। तो अपने को सबसे पहले अनलॉक करना है अपना रिफाइंड मेटल आर्मर। उसके बाद मैं करने वाला हूं लेटेस्ट प्लांटेशन, और इसके बाद देखेंगे अगर कोई अच्छी चीज हुई तो। बाकी जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैं रखवा के गया था एक इसको और एक एनुबिस को। अरे यार, मैंने खेलते खेलते एनुबिस अपने पास ले ली थी। बट इन लोगों का एग आ चुका है, और अब मुझे देखना है इसमें कौन सा टावर बॉस निकलने वाला है। सो इन 3, 2, 1 लेट्स गो। कौन? फिलेरिस भाई, ये कौन सा? ओ, वो जिस टावर पे अपन गए थे वो वाला टावर बॉस है ये। एक सेकंड रुको, इस एनोबिस को निकालो। इधर 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 गाइस, एक सेकंड। इसको अपन वापस से यहाँ रख देते हैं, ये और ब्रीडिंग कर लेंगे। बट उससे पहले, ओ भाई, ये उस टावर का है। ये मैं इस टावर पे मैं गया हूँ शायद, ये वाला। इस वाले टावर पे जो बॉस आया था ना गाइस, वो रहा ये। अपने को जरूरत ही नहीं है भाई उसको पकड़ने की, ये रहा। बट हाँ, अभी लेवल इसकी बहुत कम है। इसका ट्रांसपोर्टिंग और फायरिंग लेवल 3 का है। ये ग्राउंड टाइप और फायर टाइप बंदा है। और इसका अटैक माइनस क्यों रखा है भाई? अरे यार, इसकी पैसिव स्किल देखो भाई, इसकी पैसिव स्किल कितनी घटिया आई है। अर्थ अटैक डैमेज में बढ़ जाएगा, बट यार इसकी टोटल अटैक -25 हो रखी है। कोई बात नहीं, अभी एक या फिर दो और अपन इनको ब्रीड करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर से मैंने शायद, हाँ, केक हटवा लिए थे, क्योंकि मैं और माइनिंग साइट 2 लगवाने चला गया था ना। तो इनको रखते हैं अपन अपने पास। और यहाँ पे 105 केक रखे थे, 2 केक खराब हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, मेरे को केक वहां पे रखवाना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, चलो अभी के लिए मुझे इसको टेस्ट करना भाई किसी के ऊपर। तो इधर आ, इस पे बैठ सकते हैं क्या? रुक जाओ, टेक्नोलॉजी में जाके देखते हैं इसकी शैडल अनलॉक हो गई है क्या अपनी। ओ भाई, इसकी शैडल मेरे को यार ये देखना है इसकी स्पीड अच्छी है कि इसकी स्पीड अच्छी है। तो क्यों ना इसकी शैडल भी अनलॉक कर दी जाए। बट यार मैं कर रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं पता, देखते हैं। क्या पता यार, क्या दौड़ता हो भाई बंदा ये। लेट्स सी। और ऐसे 1-2 बंदे और आने वाले हैं। उससे पहले मैं इसकी शैडल बनवाऊंगा, और इसकी शैडल के लिए मेरे को चाहिए होगा क्लोथ, थोड़ा बहुत। तो क्लोथ बनवा देते हैं। अरे, और ये क्लोथ बन चुका है। एक बार देखने दो कितना क्लोथ चाहिए इसके लिए। ओके, हो गया, काम हो गया। फटाफट से चलते इधर और इसकी शैडल बनाते हैं। आओ भाई, कोई सा तो काम कराओ। अच्छा, एनुबिस तो वहां काम कर रहा है यार, इधर भी कोई काम करा दो। ये बन गई इसकी शैडल। लेट्स गो। अरे बैठा के, ओके गाइस, 3, 2, 1 गो। भाई ये देखो, ओ भाई कितना तेज दौड़ रहा है भाई। क्या सही चीज मिली है। और शिफ्ट दबा के देखो तुम, ये देखो, तुम खुद देखो भाई। भाई 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 गाइस, बहुत सही चीज मिल गई। अब ट्रेवलिंग के लिए मैं सिर्फ इसको लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि क्या जरूरत है चल के जाने की जब उड़ के जा सकते हैं अपन। बाकी एक बार मैं कंपेयर करा के और देखने वाला हूँ इसको, और क्या नाम है उसका, एक सेकंड, इसके जैसा दिखने वाला जो प्राणी है ना, वो कहाँ गया? ये रहा गाइस, इसको और उसको मैं कंपेयर करा के देखने वाला हूँ। रुक जाओ, इधर आ भाई, इसके ऊपर बैठते हैं। और इसकी स्पीड देखो तुम भाई, कितनी स्लो है। एक इसकी स्पीड देख ली तुम लोगों ने, ठीक है। मैंने शिफ्ट नहीं दबाया था, बिना स्प्रिंट करे था वो, ठीक है। और इसकी स्पीड देखो, बिना स्प्रिंट करे। और अब स्प्रिंट करके देखो तुम इस, भाई क्या सही दौड़ता है गाइस। आज से अपना ट्रेवलिंग वाला बंदा यही होने वाला। एक और एग लिया है, जिसकी पैसिव स्किल्स अच्छी होंगी ना, या फिर माइनस में नहीं होंगी, वो वाला बंदा अपन अपने साथ रखेंगे। एक सेकंड रुको, मेरे को 2-4 ब्रीड करवाने करने पड़ेंगे इस चीज के लिए। ओके इसकी, अबे यार इसकी पैसिव स्किल भी गंदी आई है मेरे जहां तक। इसकी देखो पैसिव स्किल यार इसमें फिर वही आई है इसकी। अबे ऐसे कैसे हो सकता है, डिट्टो सेम है बस एक का फर्क है। अरे हट यार, और बनवाने पड़ेंगे मेरे को ये। अभी मुझे अपनी लेवल बढ़ानी थी, तो लेवल में किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, एक सेकंड रुको यार। लेवल, अरे लेवल में कुछ बच्चा ही नहीं है। अगर मैं एक और एग खोल दूं ना, अगर एक और एग खोल दूं तो भाई सारा काम हो जाएगा। रुक जाओ, अरे यार ये एग भी तो आधे घंटे में देंगे। इन लोगों को मैं कैच कर लेता हूँ जिससे कि मेरी थोड़ी बहुत EXP मिल जाए। इनसे एग नहीं दिया इन लोगों ने। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से। अरे एग आने वाला है, इनका आने वाला है, कोई बात नहीं, चलो मैं सो के आता हूँ। ओके आज के दिन इनका एग आ चुका है और शायद इनके एग से मेरी लेवल अप हो जानी चाहिए, देखते हैं। और यार इसकी पैसिव स्किल्स अच्छी हो या तो ब्लैंक हो इसकी। ओके मैंने बोला था मेरी लेवल अप हो जाएगी। और इसकी पैसिव स्किल बहुत तगड़ी आई है, एक सेकंड रुको, अच्छी खासी पैसिव स्किल है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपने पास रखेंगे ठीक है, और इसको यहाँ उतार देते हैं। इसकी लेवल 1 है, इसकी लेवल 9 है। अभी मैं टेक्नोलॉजी से कुछ खोलने वाला हूँ और मैक्स 7 ही होते हैं क्या। अगर मैं सारे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स भी खर्च कर देता हूँ ना, तो जब भी मेरी लेवल अप होती है तो मुझे 7 ही मिलते हैं। पता नहीं ये क्या चक्कर है, मुझे ये समझ नहीं आती। कोई बात नहीं गाइस, आज मेरे को एक तो वेपन बनाना था और इसका जो अटैक है ना वो 1100 का, इसका अटैक है 190 का। अब मुझे ये नहीं पता इसमें अंतर क्या है या फिर क्या है ये, तो ये खोल लेंगे एक। अभी रुको, 3 3 6, दो ही चीज खोल पाएंगे यार अपन। मेरे को ये भी खोलनी है, तो गाइस क्या कहते हो, वेपन खोलें, आर्मर खोलें या फिर प्लांटेशन खोलें। प्लांटेशन बाद में खोल लेंगे, चलो ठीक है। मेरे को एक रिफाइंड मेटल चेस्ट भी खोलनी थी क्योंकि मेरा पाल बॉक्स अपग्रेड करना है, बट अपग्रेड करके कुछ होता तो है नहीं यार। एक और चीज लिखी आ रही है, नोट मैक्स पाल्स ऑन बेस आर लिमिटेड बाय द वर्ल्ड सेटिंग, करंट इज 15। गाइस इसकी जो वर्ल्ड सेटिंग है ना उसमें 15 कर रखी है, अपन मैक्स 20 उतार सकते हैं अगर अपन वर्ल्ड सेटिंग्स बढ़ा दे तो क्यों ना अपन इसको 20 कर देते हैं। फिर भी अपने को पाल बॉक्स शायद अपग्रेड करना पड़ेगा, तब अपन 20 कर पाएंगे। लेट्स सी, मैं ये वाले जो रिस्ट्रिक्शन है इसको हटा के आता हूँ। अभी गाइस मैंने पाल्स वर्क ऑन अ बेस बढ़ा दिया है, देखो अपने यहाँ पे जो नोट आ रहा था वो भी हट गया है और अपन ने लेवल 17 की कर दी, तो लेवल 17 पे अपने को 17 पेल्स छोड़ने को मिल रहे हैं। अभी तक अपन 15 पेल्स ही छोड़ पा रहे थे, तो 2 पेल्स की जगह और आ गई है। और अगर अपन अपग्रेड करेंगे तो अब अपने को 18 19 20 तक अपन मैक्स छोड़ सकते हैं पेल्स को। तो क्यों ना अपन थोड़े बहुत पेल्स और उतार दें। ऐसी मैंने 2 पेल्स उतार दिए कोई से भी। अभी के लिए मुझे अनसेव्ड पॉइंट यूज करने, तो इसको अपन यूज करते हैं अपनी HP में। नहीं, स्टेमिना अपने पास बहुत कम है भाई, स्टेमिना बढ़ाते हैं। ओके डन। अभी मैं खोल रहा था टेक्नोलॉजी में से एक वेपन और एक अपना रिफाइंड मेटल आर्मर, जिसका डिफेंस है 150 और अभी जो अपने पास आर्मर है उसका डिफेंस सिर्फ और सिर्फ 105 ही है। तो सबसे पहले अपन अपना वेपन बनवाते हैं ठीक है। और वेपन अपन ने कौन सा खोला है, ये वाला सिंगल शॉट राइफल गाइस। अरे यार ये बना के क्या होगा, इसकी एमओ तो खोली नहीं भाई। अरे नहीं भाई, अरे अरे कोई बात नहीं गाइस, अगले में खोलेंगे। बाकी अपने को एक स्कैटर स्फीयर लॉन्चर मिला है, इसको अनलॉक करके देखते हैं इससे क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि अपन जो स्फीयर्स है ना उसको साइमल्टेनियसली फेंक सकते हैं, बट यार ऐसे तो अपनी स्फीयर्स खराब हो जाएंगी सारी। तो एक तो मेरे को ये बनवाना है, जिसके लिए मुझे कार्बन फाइबर चाहिए। उससे पहले तू एक काम कर, रिफाइंड मेटल वाला आर्मर बनवा दे। ये बन रहा है जब तक, एक काम करते हैं। अबे नहीं, वो लोग वहां पे पैदा ही पैदा करे जा रहे होंगे। अबे तुम हटो यहाँ से, हट जाओ। एनोबिस कहाँ है, तू इधर आ मेरे पास। एनोबिस को अपन रखते हैं फैन ग्लोब की जगह पे। आज से फैन ग्लोब अपन अपनी पहल टीम में से हटाते हैं क्योंकि अपने को उससे अच्छी चीज मिल चुकी है। और ओके इन लोगों ने एग प्रोड्यूस नहीं किया था, अपना केक बच गया। यहाँ पे छोड़ देते हैं अपन अपनी एनोबिस को। और अभी मुझे बनवाना है कार्बन फाइबर ठीक है। कार्बन फाइबर भी शायद इसी पे बनता है यार, इसी वर्क बेंच पे बनता है। तो पहले ये बना दे। ओके अपना आर्मर रेडी है गाइस, रिफाइंड मेटल आर्मर, जिसको मैंने यहाँ पहन लिया है। और अभी मैं अपना जो नॉर्मल मेटल आर्मर है ना उसको हटाने वाला हूँ, जब तक अपन कार्बन फाइबर बनवा देते हैं थोड़े बहुत। और ये जो मेटल आर्मर है इसको रखवा देते हैं अपन अंदर। अबे तेरे से फाइबर नहीं बन रहा है, इतनी देर होगी, हद है। अरे भाई यार इन लोगों के लिए इंजेक्शन वगैरह भी बहुत बनवाने पड़ेंगे। पता है इनकी वर्क स्पीड बहुत स्लो जाती है, बहुत स्लो जाती है यार। ये लोग डिप्रेस वगैरह होते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी करवाता हूँ इनका काम, करवाता हूँ मैं। पहले मुझे स्फीयर लॉन्चर बनवा लेने दो। और कार्बन फाइबर 2 और कम पड़ गए यार। ओके डन, मैंने बनवा लिए। अभी इसको अपन बनवाते हैं, लेट्स गो। एनोबिस तू इधर काम कर जब तक मैं तुम्हारे लिए दवाइयों का इंतजाम करता हूँ। आधे से ज्यादा तो अपने जो ओवर वाले बेस पे है ना वहां पे सब की सब ओवरफुल हो रखे हैं, तो ओवरफुल के लिए शायद ये वाली मेडिसिन काम करती है ठीक है, या फिर ये काम कर देती। अब मुझे यही नहीं पता यार कौन सी चीज के लिए कौन सी मेडिसिन काम करती है। आधा ट्राई करते हैं ये, इससे क्या होगा। ओके ये किसी को खिलाने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा। मेडिकल सप्लाई भी किसी को नहीं खिला सकते यार, ये क्या बात हुई। सिक वालों लोगों को तो खिला ही सकते हैं ना। अच्छा सिक इसके अंदर है ना लोग ठीक है। एक बी गार्ड सिक है, इसको भी अपने पास लो। बाकी डिप्रेस्ड वीक है ठीक है, तो उनके लिए मेरे को इंजेक्शन बनवाने पड़ेंगे। एक इसको खिलाओ दवाई, तो एक शेडो वीक रख लेते हैं। और लेट्स गो। ओके स्फीयर लॉन्चर बन चुका है अपना, इसको अपन रखते हैं अपने पास एंड लेट्स गो। इन दोनों का बस नाम में फर्क है और थोड़ा बहुत काम में भी फर्क होगा, वो काम का फर्क अभी देखते हैं। पहले मुझे पुराने वाला जो स्फीयर लॉन्चर है उसको इसके अंदर रखवा के आन दो, ये सिंगल शॉट वाला। डन, मैं इसको यूज करके देखने वाला हूँ किसी तो पहल पे। ओके इस पे यूज करके देखें। अब अबे एक गोली नहीं लगी उसको, ये तो मेरी फ्री की पैल स्फीयर्स थी इसलिए मैंने छोड़ दिया भाई, वरना मैं मेरे पास 298 पैल स्फीयर्स है। ठीक है अभी मैं छोड़ता हूँ, ठीक है एक छोड़ता हूँ। एक बार में 10 स्फीयर्स छूट रही हैं, किस काम का ये और कहाँ काम आएगा भाई। क्या घटिया चीज बनवाई है भाई, क्या घटिया चीज बनवाई। हटाओ इसको, हटाओ, अभी तो किसी काम का नहीं, क्या पता बाद में काम आए। इसको अभी रखवा देते हैं अपन अंदर, लेट्स गो। अपने ये एक सिंगल वाले अच्छा है यार, मेरी इतनी सारी 20 स्फीयर्स खराब कर दी उसने एक झटके में। अभी मेरे को बनवानी थी ये सिंगल शॉट गन, तो इसको बनवाते हैं और देखते हैं कितना अटैक करती है, क्योंकि ये जब बनती है इसमें एक गोली तो आती है, तो एक गोली तो अपन यूज करके देख ही सकते हैं। बाकी अपने को राइफल एमो मिल जाएंगी, ढूंढनी पड़ेगी। बट अपना वेपन बन चुका है और इसको अपन टेस्ट करने जा रहे हैं अपने हाथी घोड़ा पाल पे। हाथी घोड़ा किधर गया, घोड़ा तो नहीं है, हाथी जरूर है अपने पास। हेलो बड़ी, आज तेरे ऊपर नई टेस्टिंग करने आया हूँ, देख। ओके 3 2 1, हेडशॉट 96 का लगा इसका यार, क्या है छी, इतने तो मेरे पैल्स मार देंगे भाई। 1000 की वो दिखाता है इनका, अटैक और डिफेंस के नाम पे सब कुछ कचरा हो जाता है, उनका डिफेंस अच्छा होता है ना गाइस। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आ गया हूँ और इसको अपने पास रख लेते हैं। अभी मुझे ढूंढने जाना है फ्रॉस्टैलियन को, और फ्रॉस्टैलियन मिलेगा ठंडे इलाके में कुछ इस साइड, शायद ये जो ब्लैंक एरिया है ना इसी के अंदर फ्रॉस्टैलियन है। मैंने मैप में खोला नहीं है, तो अभी मैं वहां जाके आता हूँ। चलो लेट्स सी गाइस, मुझे जाना है इधर की साइड, ठीक है। तो अपन निकालते हैं अपने उड़न खटोला को, चल भाई लेके चल फटाफट से। ओके शायद मैं पहुंचने वाला हूँ, पहुंच गया हूँ। और ये रहा फ्रॉस्टैलियन भाई, मैं चलते जा रहा था, मैंने तो देखा भी नहीं। एक सेकंड, कहाँ है फ्रॉस्टैलियन? गुफा में क्या यार, गुफा में ना हो, गुफा में लड़ नहीं पाएंगे भाई। तो यहाँ तो कोई भी नहीं है गाइस। फ्रॉस्टैलियन मेरे को मिल चुका है, 15,000 की इसकी एचपी है। और भाई अटैक मत करना, तेरा ड्रॉप लूट रहा हूँ मैं, तो कुछ नहीं मिला इसमें से। अबे मार मत, अरे मार दिया साढ़े ने, मार दिया, मर गए। क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, मत मारी। ओ भाई खत्म है, अपने लड़ने लायक नहीं है बंदा ये। अबे नहीं, क्या अपन इससे लड़ सकते हैं गाइस? तो मुझे नहीं लगता लड़ सकते गाइस। कोई बात नहीं, ऐसे गिर गिर के संभलते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे भैया मर गया मैं, जाने दो मेरे को, वापस जाने दो मेरे को, बस मेरा वो लेके आने दो, मेरी पेटी। मेरे को कोई मतलब नहीं इस आदमी से। अबे नहीं, पेटी लाने से पहले मुझे घर जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड मैं मर, साली को पाल बॉक्स लगा के मार दूंगा, देखना तुम किसी दिन। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, ऐसे घबराते नहीं भाई। उससे मैं अटैक कर सकता था यार, लेकिन मुझे उसके सामने नहीं आना था, बस मैं उसके सामने आ गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, वो मेरी साइड भाग के आया जोर से और मुझे मार दिया उसने। चलो एक बार वापस चलते हैं उसके पास और दूर से अटैक करा के देखेंगे इस बार। बाकी मैं अपनी पेटी लूटने जा रहा हूँ, मेनली वो रही मेरी पेटी। यहाँ तक खतरनाक आवाज क्यों आने लग गई, ये लड़ा हुआ है क्या अभी भी? मेरे को मेरी पेटी लूट लेने दो भाई, चल 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 यहाँ से चल, एक बार चल यहाँ से चल। इससे लड़के देख, डार्क पैल से लड़ाता हूँ, बाकी फायर वाले पैल्स ज्यादा खतरनाक होते ना इन लोगों के लिए। ओके फाइट हो गई है, लेट्स गो। अबे 16 का डैमेज दे रहे हो यार तुम सालो, शर्म है तुम्हें। मर गया मैं मर गया। अबे क्या तगड़ी जगह पे रहता हूँ, एक तो ये क्या तगड़ी जगह पे रहता है, और जो इसने अटैक करे भाई। अभी एक बार के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा, घर चलो जल्दी जल्दी घर गाइस। अभी मैं जाने वाला हूँ अपने फूड फार्म पे और थोड़ा बहुत फूड कलेक्ट करके इस पैल बॉक्स को तोड़ के डायरेक्ट जाने वाला हूँ फ्रॉस्टैलियन के पास। ओके मेरे को फूड कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फूड मिल गया है मेरे को, लेट्स गो। गाइज मैं अपने सारे पैल्स मरवा के आने वाला हूँ, क्योंकि पहली बात तो सारे वीक हो रखे हैं, बट लेट्स ट्राई क्या होता है। मेरे को जाना है सामने सीधा और फटाफट से चलते हैं। और भाई पाल बॉक्स लगाने के बाद नहीं मराना वो तो भाई, इम्पॉसिबल है उसको मारना अभी के लिए। तो दूर चलो, पहले दूर चलो। और क्या इधर लग जाएगा पाल बॉक्स? अटैक कर दिया इसने, कहीं से तो अटैक करा है। कहाँ पे ये बंदा दिखता क्यों नहीं है? एक तो सफेद में देखना, अब दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ से अटैक कर देगा। ओके वहीं पे मैं पैल बॉक्स लगाता हूँ। टू क्लोज टू स्पेशल बॉस, क्यों भाई और कितना क्लोज है? यहाँ लग रहा है गाइस, इसको यहाँ लगवाते हैं। और मैं सारे फायर पैल्स छोड़ने वाला हूँ, सारे जितने मैं छोड़ सकता हूँ, एंड लेट्स गो। मैं जा रहा हूँ फाइट करने उससे। इधर मेरे हाथ में गन है और मार दी, भाग 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 भाग। ओके अल्ट्रा स्फीयर निकाल ली गाइस मैंने, और इसकी हेल्थ बहुत अच्छे से कम हो रही है। रुक जाओ भाई, ये तगड़ी चीज है। इसने आधे पैल्स मार दिए होंगे मेरे। ओके नहीं मारे भाई, गई ये फ्रॉस्टैलियन गई, लड़की की लड़का अभी ये नहीं पता। मैं गया अबे गए, ये लोग भी गए, शिट दो जरूर टैट गए। नहीं वो बंदा कहाँ है, अबे कितना हिल रहा है। और 13,000 की एचपी हुई है सिर्फ। नहीं भाई मुश्किल है, इसको मारना मुश्किल है। ओके गए, ये फूटने गए। ओके मुझे ही मारने आ रही है वो भाई फूटने वाला काम तो बहुत तगड़ा कर रहा है लेकिन उड़ा दिया दिखे। अच्छा नहीं यही 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 भाई ये बहुत सही है भी। भाई ये देखो ये देखो ये देखो एचपी देखो किस तरीके से कम हो रही है। बट नहीं मेरे गए पेल्स गए सारे। एनोबिस छोड़ता हूँ मैं अपनी साइड से, शायद अब लड़े ये। ओके 10,000 की एचपी। नहीं यार मर जाएगा ये। फ्रॉस्टेलियन की 9,000 की एचपी। भाई मेरे को अच्छे पेल्स ज्यादा पकड़ के रखने होंगे, जैसे कि मैंने ये हाथी पकड़ रखे हैं भाई। ये पता है ये हाथी बहुत एचपी खा रहे होंगे उसकी, क्योंकि पहले तो इनकी एचपी खुद की इतनी ज्यादा। गाइस अपने पास फायर का बेस्ट पेल है, अभी अपने पास कोल्ड का बेस्ट पेल आने वाला है। अबे मेरी एचपी कम हो रही है। शिट 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 मुझे जल्दी से आना होगा। ओके मैं आ गया हूँ। और मेरी पेटी कहाँ है? इसकी एचपी 6,000 की बची है। अबे नहीं शायद खत्म कर दिया इसने सबको। नहीं रुक जा बे यार टाइम तो दे। ओके अभी भी इसकी एचपी कम है और मैं डाल सकता हूँ पेट्स। आ जा बे। लाइन से मार रही है यार, एक अपना वो छोड़ती है और लाइन से सबको खत्म कर देती है। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे पैल्स भी नहीं है। भाई ये देखो तुम किस तरीके से इस पे अटैक हो रहे हैं, बट कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। भाई किसी टाइम पे मेरे को जो खतरनाक पैल्स लगते थे ना वो झटके में मर जा रहे हैं। भाई इनको छोड़ता हूँ, ये जाके फूटेंगे उसके मुंह पे। ओके ओके ये फूट तो अच्छे रहे भाई। भाई जो एक एक बच गए थे ना उन एक एक को उतार दिया मैंने, बट नहीं मर रहा है, नहीं मर रहा है भाई, मर ही नहीं रही। बच गया बच गया बच गया। अबे क्या हो रहा है, क्या फाइट चल रही है? कोई इसकी एचपी घटा भी रहा है कि नहीं? 2100 की एचपी। भाई पूरे दिन से फाइट चल रही है। प्लीज मार दो यार, प्लीज मार दो। मेरे पे अटैक कहां से आया, मेरे को कोई ये बताएगा? रुक जा कर लूंगा कर लूंगा। इसकी एचपी रिकवर हो रही होगी यार। कहां गई है? सूर्य वापस मरना स्टार्ट हो चुके हैं सारे। अब खत्म है भाई ये, खत्म है। ओके कम करो एचपी कम करो। अब तो वो भी नहीं मार पा रही अपने पेल्स को। ओके किंग पे कैसे लड़ रहा था अभी तक, ये सो गया। अभी मैं काम कर सकता हूँ इसके पीछे से। 900 की एचपी। ओ मेरे सारे जर्मोटेड जिंदा हो गए, बस खत्म है। अभी रुको भाई पकड़ 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 ले। अबे बॉल्स नहीं जा रही उसके पास। 15 बॉल बची है मेरे पास सिर्फ। नहीं 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 15 बॉल लाया हूँ मैं, बॉल्स में नहीं ला। क्या पकड़ लिया भाई, क्या पकड़ लिया भाई। मरते 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 और मरते मरते पकड़ा इसको। और ये अपने पहल टीम में ही है ये। अबे नहीं अब साले तू मारेगा मेरे को भाई। घर जाके घर जाके घर जाके रुक जाओ। मुझे पहल बॉक्स के अंदर से ट्रैवलिंग वाला बंदा निकालने दो, उसके बाद मैं चलता हूँ घर पे और तुमको दिखाता हूँ एक तगड़ी चीज। मैं आ गया हूँ घर पे फ्रॉस्टेलियन को लेके। इसका मेरे को शैडल चाहिए, ये बहुत तेज दौड़ता है भाई। 48 लेवल पे। कोई बात नहीं इसको बेड पे सुला देता हूँ। ये सो चुका है अब, ये शायद अपने आप उठ जाएगा। उठ गया, लेट्स गो। अब जो करना हो इसको शायद अब सही करेगा। पता नहीं जमीन पे क्यों सो जा रहा था यार। बट उससे पहले मेरे को अपना एक पैल बॉक्स लेके आना है। इसको रखो यहाँ पे, चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ये वाला पैल बॉक्स तोड़ते हैं और अपना निकालते हैं वुडन खटोला। और चलो भाई मेरे को प्रॉपर सामने जाना है, शायद सामने जाना। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और अभी चलते हैं फटाफट से अपने फूड फार्म की साइड, क्योंकि मेरे को फूड फार्म लगाना है वरना वहाँ पे सारी चीजें डी स्पॉन हो जाएंगी। ओके यहाँ पे पैल बॉक्स लगाते हैं और वुड और इसकी कमी स्टोन की, वुड और स्टोन की कमी हो रही है, बताओ कोई बात है। ओके डन, मैंने यहाँ पे पैल बॉक्स लगवा दिया है। ये सब रिकवर हो रहे हैं, ये सब हंगरी भी होंगे इनके। अरे भाई इन सबको मेरे को निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक जगह जाके, उसके बाद ये सब रिकवर हो पाएंगे। क्योंकि मैंने सारे पैल्स खत्म कर दिए भाई, सारे पैल्स खत्म कर दिए मैंने। सबसे पहले चलो घर पे। और गाइज मैं ये कह रहा था इससे अपन आराम से ब्लेजा माउंट की चटनी बना सकते हैं। बट हाँ ये गुफा में है, ये सो क्यों जाता है? बात बात होता होगा गाइज, कुछ कुछ होता होगा। हाँ इसका अटैक अपने पास रह के कितना होता है वो मुझे देखना है। उसके लिए हेलो बड़ी पापा लाया हूँ तुम्हारा पापा, ये लो। अरे किसको मार? ओ भाई ये किसी और को मारने के लिए जा रही थी और इसने देखो इसका अटैक देखो, इसका अटैक देखो भाई, इसका अटैक देखो। अभी एक और मारेगी खत्म है भाई। क्या कर रही है, क्यों घुस रही है उसके अंदर? ओ भाई खत्म भाई खत्म। ये लो भाई मेहमत के ऊपर क्या ही गंदा असर कर रही है ये। बेटे ऐसे ऐसे बंदे लाऊंगा ना अब की तेरे को एक चुटकियों में मार देंगे। एक जेट ड्रैगन और पकड़ना है मेरे को भाई। 150 की एचपी छोड़ी थी, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। चलो भाई अभी चलते हैं ऊपर की साइड, अपना निकालो उड़न खटोला, लेट्स गो। ये देखो भाई ये देखो, ये सब हंगरी पड़े, कोई कुछ पड़ा है। बट अपना ये बंदा 26 किस लेवल का हो गया इतनी जल्दी? क्या बात है भाई, प्रोग्रेस बहुत सही कर रहे हो तुम है। ओके ओके, और इस पे कौन सो रहा है? अरे ये जो मर गए थे भाई, क्या सही लग रहा है इस पे सोता हुआ। नाइस, मैं लार्ज पाल बेड बनवाने वाला हूँ बहुत सारे, बट यार उसके लिए बेस में बहुत जगह चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो भाई, अभी कौन मरा पड़ा है जरा ये बताओ। सब जिंदा हो गए जो मरे पड़े थे, एक अपना एनुबिस मरा पड़ा है भाई, ऐसे कैसे? अभी सब वीक हंगरी शो करेगा, इससे अच्छा है कि मैं इनको जाके ना फूड बेस पे उतारूं। और गाइज मुझे बस एक चीज बताना कि जो इनकी वो है ना मेडिकल सप्लाई वगैरह बनवाते, वो अपन इजीली कैसे बनवाए, क्योंकि वो जो इंजेक्शन है ना भाई ये नहीं बनता यार, इतने सारे हॉर्न्स मांगता है ये। इसका कोई इजी मेथड या फिर अल्टरनेटिव हो तो गाइज कमेंट्स में जरूर बताना, या फिर इसको कैसे इजीली अपन फार्म कर सकते हैं। उससे पहले मैं इन सबको बाहर छोड़ने वाला हूँ क्योंकि ये सब हंगरी होंगे। गाइज इनको मैं छोड़ने वाला हूँ खाना खाने के लिए सबको, क्योंकि खाने पे अभी देखना किस तरीके से टूटेंगे। बस करो रुक जाओ एक सेकंड। बाकी गाइज आज के लिए बस इतना ही। एक चीज जरूर कमेंट्स में बता देना गाइज कि मैं इनके लिए दवाई कैसे बनाऊं इजीली, या फिर फार्म कहीं कर सकते हूँ दवाइयां। बाकी आज अपन ने इतना तगड़ा पहल पकड़ लिया है कि अब मेरे को मेडिकल सप्लाई बनाने से ज्यादा खुशी इसकी है कि अपन ने फ्रॉस्टेलियन पकड़ लिया है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही ब्लेज़ अमाउंट मरने वाला है। बाय बाय।